नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है हमारे पास डोमिनार 400 एडवेंचर एडिशन, और कलर की बात करें तो ऑरोरा ग्रीन इस कलर का नाम है भाई। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और मतलब बहुत शानदार कलर लगा। पास से देखेंगे ना भाई, देखो जो स्पार्कल्स है ना भाई, आप इसको अपनी आंखों से देखो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई इस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो भाई ये है भाई बजाज का हाथी 400 cc का, भाई बहुत पावरफुल है, बहुत हैवी है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो एडवेंचर एडिशन है तो इसमें जो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता है, जो कि एक रेगुलर डोमिनार में आता है उससे आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। जो जो डिफरेंस रहेगा वो आपको शो करते जाऊँगा। तो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे भाई, तो अपन इसमें जो आप देखें तो जो फ्रंट इसकी विंडशील्ड है ये आपको थोड़ा सा लंबा मिलता है। फॉर टूरिंग पर्पज़ ये गाड़ी बनाई हुई है तो इसका जो फ्रंट विंडशील्ड है थोड़ा सा ज़्यादा है, वाइजर बड़ा। यहाँ पे आपको स्पेस दिया नंबर प्लेट के लिए। नीचे आप देखेंगे तो फुली LED हेडलैम्प प्रोवाइड किया हुआ है, तो जिसका भाई थ्रो काफ़ी बढ़िया है। इधर आप देखें तो मैंने देखिए यहाँ पे पासिंग वगैरह देखे बताया। इधर आप देखें तो इंडिकेटर्स आपको LED प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब पूरा LED सेटअप जो है इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट में जो इसका मडगार्ड है यहाँ पे आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ग्रीन एक्सेंट कहाँ कहाँ पे आप देख लीजिए, पीछे आपको मैट ब्लैक दिया हुआ है और थोड़ा सा एक्सटेंशन पीछे आपको दिया हुआ है ताकि जो आपका इंजन है ज़्यादा गंदा ना हो। इधर पे आपको मिलते हैं USD फोक्स जो कि रहेंगे आपके एंड्योरेंस के, सिल्वर कलर के रहेंगे। तो डोमिनार 250 में भी आपने देखो तो सेम कलर का यूज़ किया हुआ तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो इस गाड़ी में आपको जो इसके अलॉय व्हील्स हैं आपको ड्यूल टोन में मिलेंगे, मतलब डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं ब्लैक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन तो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। टायर साइज़ की बात करें तो 110/70 R17 इंच के मैं आपको टायर दिया हूँ जो कि रहेंगे आपके ट्यूबलेस, तो काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल टायर का दिया हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ में, और ड्यूल चैनल ABS इस गाड़ी में आपको मिलता है। बाइबर का डिस्क सेटअप आपको देखने को मिलेगा इसमें, ये आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब चलते उसको साइड में, तो साइड में आप देखेंगे तो भाई ये इसका जो ग्रीन कलर है ना भाई, भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब इसको आप थोड़ा लाइट्स में देखें ना, यहाँ पे आप देखें तो वाइजर में भी थोड़ा सा जो है आपको ग्रीन एक्सेंट देखने को मिलता है, और ऊपर यहाँ पे आपको ग्रीन एक्सेंट दिया हुआ है तो काफ़ी सही लग रहा है। इधर पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी दी हुई है, तो भाई गाड़ी कूलिंग काफ़ी सही रहेगी। यहाँ पे आपको नीचे गार्ड वगैरह दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं है, जब देख सकते मेरा फ़ोन भाई, तो ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है। ये रहा इसका भाई 400 cc का इंजन जो कि रहेगा आपका लिक्विड कूल्ड। और पावर फिगर्स की अपन बात कर लें तो भाई 40 PS के इस गाड़ी में आपको पावर मिलता है, मतलब 40 PS काफ़ी ज़्यादा होता है, और 35 Nm का इसमें आपको टॉर्क दिया हुआ है। तो भाई बजाज की सबसे पावरफुल जो बाइक है भाई डोमिनार 400 है। और इधर पर आपको इंजन आप देखें तो यहाँ पर आपको 373 cc की यहाँ पर जो आपको मेंशनिंग देखने को मिलेगी, 373 cc, और ये आप देख लो पूरा मैट ब्लैक में इसका पूरा इंजन दिया हुआ आपको। और गाड़ी का अगर ओवरऑल वेट की बात करें तो 193 kg के अप्रॉक्स इस गाड़ी का वेट है, 193 से 200 kg, मतलब 2 क्विंटल के आसपास आप इसको ले सकते हैं। और ये इसका भाई ब्रेक पैडल है रियर का, ये आपको फोल्डेबल मिलते हैं, और ये आप इसके फोटरेस्ट देख सकते हैं। डुअल टिप एग्जॉस्ट दिया हुआ है, एग्जॉस्ट काफ़ी हैवी है मैट ब्लैक में, यहाँ पे आपको गार्ड दिया हुआ है। पीछे आप जो सस्पेंशन देखेंगे ये आपको दिया हुआ है नाइट्रॉक्स का, और ये भी आपके एडजस्टेबल रहेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप राइड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको D400 की बैजिंग दी हुई है, कलर भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये सेंटर पैनल आप देख लीजिए भाई काफ़ी सही है। रियर डिस्क ब्रेक आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बाइबर का लोगो, और पीछे भी आपको ड्यूल टोन में दिया हुआ है। तो डोमिनार 250 में आपको ये ड्यूल टोन नहीं मिलता है, सिंगल ब्लैक कलर में मिलता है। रियर टायर की बात करें 150/60 R17 inches में आपको ट्यूबलेस टायर दिए हुए, काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED सेटअप दिया हुआ है, उसके साथ साथ जो पीछे ग्रैब हैंडल है ये आपको दिया हुआ है भाई थोड़ा सा इस टाइप का, मतलब जो नॉर्मल एक डोमिनार 400 आती है उससे भाई काफ़ी थोड़ा एक्सटेंशन है। और यहाँ पे आपको स्पेस भी दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो होल्स वगैरह, अगर आप कुछ सामान रखना चाहते हो उसको रख के यहाँ पे इजीली बांध सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़े से स्ट्रैप्स वगैरह दिए हुए, पीछे आपको बैकरेस्ट दिया हुआ है छोटा सा, तो पीछे जो बैठ रहा है उसको काफ़ी कम्फर्टेबल लगेगा। स्प्लिट सीट है और सीट इसकी काफ़ी कम्फर्टेबल है। यहाँ पे डोमिनार 400 की बैजिंग, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, LED इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए वाइट LED प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपको गार्ड दिया हुआ है, ये रहा इसका स्विंग आर्म, और ये भाई इसका गियर लीवर, 6-speed गियर बॉक्स दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक रबराइज स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप चेन लूप करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है, और इसको लगाना निकालना बहुत ईजी है। देखो मैंने अपने एक सिंगल हाथ से कर लिया। यहाँ पे भी आपको बजाज का लोगो और ये प्लेटिनम क्रोम टाइप में मैट फिनिश में दिया हुआ है। यहाँ पे इसका लेग गार्ड है, और ये इसका रहा अपना ये साइड में लिक्विड कूल सिस्टम का कवर। अब चलते भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, उससे पहले अगर आप इसका टैंक देखेंगे
तो भाई ये देख लो 30 लीटर का इसमें आपको टैंक दिया हुआ है। तो भाई एडवेंचर टूरर के हिसाब से अगर बनाया गाड़ी को तो मेरे हिसाब से टैंक की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कम से कम 15 लीटर तो होना चाहिए। इवन 15 लीटर की जो कैपेसिटी आपको पल्सर 150 वगैरह में मिल जाती है, तो भाई इसका टैंक कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता, बट इट्स ओके। टॉप मीनार की जो बैजिंग है आपको यहाँ पे दी हुई है क्रोम में 3D एम्बलम, तो काफ़ी सही लग रहा है। नेक्स्ट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इस गाड़ी में, तो आपको दो डिस्प्ले मिलती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा कवरिंग दिया हुआ है। और सीट हाइट की बात करें तो 800 mm के हिसाब से इतनी इसकी सीट है, 800 mm होगी आई गेस। और ये देखिए भाई मेरे पैर जो है बराबर आ रहे हैं, तो सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी का, क्योंकि शॉर्ट राइडर भी है ना, मतलब 5'5" या 5'6" भी होता है तो उसको इतना इशू नहीं होगा गाड़ी चलाने में, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई, तो हैंडल बार की कुछ इस टाइप का है, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी ब्रॉड है, चलाते टाइम काफ़ी कंफर्ट आपको फील होगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और फ्यूल गेज सब यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, तो मैं आपको की और दिखा देता हूँ। तो इसकी की आपको लेज़र कट की मिलती है, यहाँ पे आपको डोमिनार की ब्रांडिंग मिल जाती है दोनों साइड पर, और जैसे आप भाई इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आता है। इधर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, USB चार्जिंग सॉकेट। तो अभी देखिए बाइक जो है वॉश हुई है, लेकिन इसकी कवरिंग आप देख पा रहे हैं जो पानी है इसके अंदर नहीं गया है, तो ये काफ़ी सही चीज़। ये रहा इसका हैंडल बार। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड मिरर्स की, तो कुछ इस टाइप के साइड मिरर दिए, काफ़ी स्टाइलिश दिए हुए हैं, और व्यू अगर आप देखेंगे तो भाई पूरा पीछे तक अपना पूरा व्यू आ जाता है अच्छे से। और हैंडल बार की बात करेंगे तो भाई हैंडल बार पे कुछ इस टाइप के स्विचेस दिए हैं, इंजन किल स्विच, यहाँ पे आपको लाइट्स के बटन मिल जाते हैं, और सेल्फ स्टार्ट, इधर पे आपको पासिंग, अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न, तो हॉर्न का साउंड कुछ इस टाइप का है। इधर आप देखेंगे भाई तो यहाँ पे जो है आपको टाइम और गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर मिल जाता है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और बाकी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, RPM की लाइट यहाँ पे दी हुई है। तो अब मैं गाड़ी को आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कि क्या साउंड है गाड़ी का। काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड है भाई गाड़ी का, तो देख लीजिए आप। तो दोस्तों बात कर ले इसकी एक्सशोरूम कॉस्ट की, तो 1,22,000 कॉस्ट करता है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो भाई इस प्राइस रेंज में अगर इतनी पावरफुल बाइक मिल रही है तो भाई सिर्फ और सिर्फ बजाज प्रोवाइड कर सकता है। तभी भाई बजाज अपना द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन, तो कुछ तो बात हो गई भाई, तभी टैगलाइन मिला इसको। तो ये थे भाई डोमिनार 400 ग्रीन कलर में, तो इसकी सारी डिटेल्स आज आपने देखी। दोस्तों डोमिनार 400 का जो मैट ब्लैक कलर आता है उसका भी रिव्यू मैंने अपलोड करके रखा है, तो आप चेकआउट जरूर करिएगा। और राइड रिव्यू मैंने गाड़ी का किया है, वो चलने में कैसी वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अपने तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।